नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी गुनाह किए और बड़ा जुल्म किया और जब वो मरने के करीब आया तो अपने बच्चों को वसीयत करता है कि मेरे जिगर गोशो, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी मैयत को जला देना और मुझे राख बना के आधी मेरी राख दरिया में बहा देना, आधी मेरी राख जंगल में उड़ा देना। और उन्होंने अपने बाप की वसीयत को पूरा किया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने दरिया को हुक्म दिया है, दरिया उस शख्स की राख बाहर निकाल। तो दरिया ने वो राख इकट्ठी की। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने जंगल को हुक्म दिया, उस शख्स की राख वापस कर। तो जंगल ने वो राख इकट्ठी करके वापस की और मुकम्मल शख्स बन के जब अल्लाह के सामने आ गया तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उससे पूछा, अल्लाह तुमने ऐसा काम क्यों कर किया? तो वो शख्स कहने लगा, या रब्बुल इज्जत, मैं इतना गुनाहगार जालिम, मुझे डर था, खौफ था, मैं आपका सामना कैसे करूँगा। मैंने इसी खौफ से ये हुक्म दिया, अपनी औलाद को वसीयत की कि तुम मुझे उड़ा देना, मैं अल्लाह के सामने का मेरे काबिल नहीं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इसी वजह से उस शख्स को बख्श दिया।